इसके बाद एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का, यूपी की सियासत की करते हैं बात। यूपी में आज दिन भर एक ही मुद्दे की बात हुई, वो सियासी टॉपिक है फोन टैपिंग। लखनऊ में अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया, रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे आगे बढ़ाया। कल अमेठी के बाद आज प्रियंका रायबरेली में थी। प्रियंका ने महिलाओं से शक्ति संवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी से योगी तक सबके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। जब एक नेता को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय मैं जातिवाद सांप्रदायिक बातें कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा, तो काम क्यों करेगा भाई। फोन पर इतनी बार टैप करे किए गए कि पूछे ही मत। पेगासस में भी था मेरे फोन में, जो पिछली बार जो वो हुआ था तो उसमें मेरा आया। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए आए। अमेठी के बाद रायबरेली में भी कांग्रेस का किला हाथ से निकला जा रहा है। कांग्रेस के टारगेट पर मोदी और योगी हैं, और प्रियंका की कोशिश है कि चुनाव में महिलाओं को पंजा छाप पर वोट लगाने के लिए मना लिया जाए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की नारों के बीच प्रियंका ने क्लियर कर दिया कि महिलाओं को लीडिंग पोजीशन में लाने का काम कांग्रेस ने किया है और चुनाव में बाकी पार्टियां उनको फॉलो कर रही हैं। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। सारी पार्टियां आप महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं, सब कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी हमें। कल अमेठी में राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने साथ मिलकर प्रचार किया, तो आज रायबरेली में प्रियंका ने अकेले ही मोर्चा संभाला। कल राहुल लीड कर रहे थे तो आज प्रियंका ने कांग्रेस को मेन रोल में प्रोजेक्ट किया। रायबरेली का सियासी टेम्परेचर लगातार हाई है। कल अखिलेश अपना विजय रथ लेकर आए तो आज प्रियंका ने शक्ति संवाद रैली की। महिलाओं के सामने प्रियंका ने बिना लाग लपेट के अपनी बातें रखी, महिलाओं से कांग्रेस के लिए वोट पावर मांगा और बदले में उनको शक्ति देने का वादा किया। हालांकि कांग्रेस की रैली में मौजूद लड़कियां वेमन एम्पावरमेंट पर मोदी का साथ देती दिखी। नौजवान बच्चे हैं, स्कूल की अपनी भविष्य बनाना चाहती है, रोजगार चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। सरकार का काम है कि इनको सशक्त करें, सरकार का काम है कि आपको मौका मिले। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपको शक्ति देंगे। अभी की स्थिति में अगर आप लोग को वोट देने की नौबत आए, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगी, इस बातों पे आप यकीन करेंगी? जी हाँ, कोशिश करेंगे देने की। कोशिश करेंगे, मतलब मन में संशय है अभी भी? बीजेपी हमें ज्यादा पसंद है, आई लाइक दिस बीजेपी। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हाँ जानते हैं, ये भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी हमारी रायबरेली की हैं, बट बीजेपी कर ज्यादा मोदी जी रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो बताएगी वोट देने की तो किसको देना चाहेंगी, मोदी जी को कि प्रियंका जी को? मोदी जी को। मोदी जी को। कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में आप खड़ी होकर ही मोदी जी को वोट करेंगे? यस यस यस। मतलब आपको कुल मिलाकर उनकी नीतियां अच्छी लगी मोदी? यस यस। स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भी इस तरीके की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो कहती हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वादा अच्छा कर रही हैं, उनकी कोशिश अच्छी है, और महिलाओं के लिए जो भी उपयोगी बात कही जाएगी वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन मोदी जी की भी प्रशंसा कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में हो रही है। बच्चियाँ और महिलाएँ कह रही हैं कि मोदी सरकार जो काम उनके लिए कर रही है वो निश्चित तौर पर बेहद अच्छे हैं, और उनके फैसले उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उनको वोट देने का जब मौका मिलेगा तो वो मोदी सरकार को वोट देना चाहेंगे। लेकिन खास बात जो है वो ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद देर पहले यहाँ से बोल के गई हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के भी सपोर्टर्स मौजूद हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा को सुनने के बाद भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से उत्साहित हैं और वो उनको वोट करना चाहते हैं। अब ये भीड़, ये जोश, ये जुनून कांग्रेस पार्टी के कितना काम आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मेहनत में, अपनी कोशिश में कोई भी कुरकसर नहीं छोड़ रही हैं। यूपी चुनाव में धर्म और विकास दो बड़े मुद्दे हैं।
बीजेपी दोनों का बैलेंस बनाकर चल रही है। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे की काट ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है। मोदी की काशी यात्रा पर पहले ही विपक्षी पार्टियां लगातार सियासी अटैक कर रही हैं। प्रियंका ने भी जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाकर कमेंट किया। इस बयान के कई सियासी मतलब हैं, लेकिन लेटेस्ट मामला सीधे काशी कॉरिडोर की तरफ इशारा कर रहा है। मेरी लाइन बहुत स्पष्ट है, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। जो सरकार कर रही है जनता के लिए, जनता को वो मुद्दा उठाना चाहिए। मैं हर जगह यही कहती हूँ और मैं महिलाओं के लिए इसलिए कह रही हूँ, मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि जागरूक हो जाइए। अगर आपको राजनीति बदलनी है, ये जो सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति है, एक ही चीज़ है, ये जनता को गुमराह करने वाली राजनीति है। ये बात है कि चुनाव के समय आएंगे, नेताओं को मालूम है कि हमसे कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, हमसे किसी ने पूछना नहीं है कि तुमने नल नहीं लगाया, तुमने सड़क नहीं बनाई, तुमने अस्पताल नहीं दिया, तुमने स्कूल नहीं दिया, ये तो किसी ने पूछना नहीं है अगर हम इसी सांप्रदायिक लाइन पे चले रहेंगे। तो मेरी सिंपल बात ये है कि आप नेताओं को मजबूर करिए कि आप विकास के मुद्दों पर बात करें। जब एक नेता को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव के समय मैं जातिवाद सांप्रदायिक बातें कर लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, तो काम क्यों करेगा भाई। सोनिया गांधी के गढ़ में प्रियंका ने मोर्चा संभाला तो मोदी से लेकर योगी तक सबसे सवाल पूछे। मोदी की शौचालय और सिलेंडर योजना को भी टारगेट किया। प्रियंका ने महिलाओं पर अत्याचार, गन्ना किसान, विकास का मुद्दा सामने रखा। आज राय बरेली से लखनऊ तक जो खबर ट्रेंड कर रही है वो है फोन टैपिंग। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की, लेकिन जब प्रियंका से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जो नेता हैं उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगाया सरकार के ऊपर। इतनी बार टैप किए गए कि पूछे ही मत। पेगासस में भी था मेरे फोन में, जो पिछली बार जो वो हुआ था तो उसमें मेरा आया था। तो अमेठी और देखिए किसका, देखिए देश चलाना है, विकास करना है, सड़कें बनानी है, शिक्षा के संस्थान बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, या अपने कमरे में बैठ के विपक्ष के दल के नेताओं के फोन सुनने हैं, बताइए। तो क्या ये काम होता है सरकार का? हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है, हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है, इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। करीब 2.5 साल के बाद राहुल प्रियंका पहले अमेठी पहुंचे, फिर प्रियंका रायबरेली आईं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले अमेठी रायबरेली की याद क्यों आई? इसकी वजह है परिवारवाद के गढ़ में बीजेपी का अग्रेसिव चुनावी कैंपेन। कांग्रेस की स्थिति ये है कि रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह बीजेपी में जा चुकी हैं और हरचंदरपुर विधायक राकेश सिंह बागी हो चुके हैं। यूपी में कांग्रेस फिलहाल वेंटिलेटर पर देख रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा पर रायबरेली में कांग्रेस के वोट बढ़ाने का जिम्मा है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव के लिए पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका जी, सीधा सा सवाल है, अमेठी रायबरेली के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय क्या माहौल देख रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों के पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है? बीजेपी तरह तरह के आरोप हमेशा लगाती है, पहले कहा संगठन नहीं है, अब हमने संगठन बनाया, अब कह रहे कैंडिडेट नहीं है। देखिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है, बीजेपी से सबसे ज़्यादा लड़ने वाले कौन हैं आप बताइए? आप यूपी के हैं, आप बताइए, आपने समाजवादी को कब से लड़ते हुए देखा है? जब से चुनाव आया है 2 महीनों पहले से मायावती जी तो दिख नहीं रही है, कौन दिखा है? कांग्रेस पार्टी दिखी है, कांग्रेस का संगठन दिखा है। आप स्पॉट पे पहले पहुंच जाती हैं। कांग्रेस के संगठन के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता जेल गए हैं 3 दिन से 3 महीनों तक, हमारे अध्यक्ष 28 दिन कोरोना के समय जेल में रहे, तो लड़ तो हम रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जो लड़ रहा है सबसे ज्यादा आलोचना तो उसी की होगी। कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन पॉलिसी में भी यूपी को शामिल कर लिया। इस महीने की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब मोदी और पुतिन ने मिलकर अमेठी फैक्ट्री में AK-203 राइफल बनाने पर फाइनल फैसला कर लिया। इस फैसले का असर अमेठी और रायबरेली के चुनाव में भी दिख सकता है।
ये दोनों इलाके कांग्रेस का पारंपरिक इलाका समझे जाते हैं। कांग्रेस अपने गढ़ से शुरुआत करके यूपी चुनाव में सम्मानजनक प्रदर्शन करना चाहती है। हालांकि पिछले चुनावी रिजल्ट कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। 2019 में राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा सीटें अमेठी, गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी, तिलोई और जगदीशपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। रायबरेली में 2019 के लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी भले ही जीत गई हो, लेकिन उनके एक्टिव नहीं रहने से फिलहाल यहां भी कांग्रेस का काडर मजबूत स्थिति में नहीं है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 6 सीटों में बछरावा, सरेनी और सलोन सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इसके बावजूद प्रियंका गांधी यूपी को नया सियासी ड्रीम दिखा रही हैं। महिला वोट से कांग्रेस को पावरफुल बनाने की कोशिश में है, लेकिन प्रियंका ये नहीं बता रही कि वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किस सीट से करेंगी। रायबरेली के लोग पूछ रहे हैं कि आप अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से। मैम, अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से? प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुल के जवाब तो नहीं दिया कि वो अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर उनके लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में आगे माहौल बनाना, संघर्ष करना निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है, लेकिन वो उस चुनौती को स्वीकार कर रही हैं और अमेठी, रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरा कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, रायबरेली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।